24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर इंद्री से। परिवहन मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद इंद्री पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। अनिल विज ने कहा था कि कोई भी वाहन बिना नंबर प्लेट के वाला कागजों के यदि चला तो उसको इंपाउंड किया जाएगा। इसी को देखते हुए इंद्री पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज इंद्री के DSP सोनू नलवार ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जो रेत से भरी हुई थी को रोक कर जब कागजात व जांच की तो किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, ना ही कागजात पूरे थे। तीनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली को इंपाउंड कर लिया गया है। इंद्री DSP सोनू नलवार ने कहा कि अब किसी भी सूरत में बिना नंबर प्लेट की कोई वाहन नहीं चलेगा, चाहे वे वहाँ कैसा भी क्यों ना हो। व्हीकल चल रहे हैं बगैर इनके कागज नहीं है किसी के पास भी, ना लाइसेंस रखते ना ये गाड़ी में नंबर रखते। तो मैंने अभी चेक किया तो ये 3 ट्रैक्टर ट्रेनी है जिनके पास इनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। काफी बुलट वालों की भी तो शिकायतें रहती है गाँव मल्कि शहर के अंदर आते जाए रखते हैं। बिल्कुल आई शिकायत भी आई है और हम डे बटी डे नाके भी लगाते हैं, चेकिंग भी करते हैं। जिसके पास कागज नहीं है उसको हम इंपाउंड भी करते हैं। और मैं आम जनता से यही अपील करूंगा कि जो भी अपना साधन लेके चले अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चले। ओवरलोड के कितने ट्रैक्टर होते हैं आज? फिलहाल ये 2 ट्रैक्टर ट्रेली हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको वेरीफाई करेंगे और माइनिंग वालों को दे देंगे। ओवरलोड है वो माइनिंग वाले बताएंगे इसका काटा करा के भाई इनका क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, तो हम इनको माइनिंग हैंड ओवर करते हैं। सर डंपर भी चल रहे हैं बहुत जिनके पास नंबर ही नहीं है, ना आगे प्लेट ना पीछे प्लेट। हाँ मैं मीटिंग लूँगा माइनिंग वालों की भी इन्फोर्समेंट स्टाफ की भी कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या चेतावनी क्या देना चाहेंगे इन लोगों को ऐसे? मैं इन लोगों को यही कहना चाहूँगा भी जो भी अपना साधन लेके चले अंदर